वैसे सर टाप किसे कर रही है, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। तो दोस्तों दिल जले जिस फिल्म को रिलीज हुए आज 27 साल हो चुके हैं, मतलब कि साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब प्यार किया था और साथ ही अजय देवगन का शाका का रोल तो और ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया था भाई उस टाइम में। और इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा सोनाली बेंद्रे और माधु लीड एक्ट्रेस के तौर पे नजर आई थी। फिल्म को डायरेक्ट किए थे हैरी बवेजा। वहीं दोस्तों इस फिल्म से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस फिल्म की सीक्वल को लेकर के। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है कि अभी इस फिल्म का सीक्वल भी तैयार किया जाएगा, लेकिन स्टार कास्ट को लेकर के काफी बड़ी चेंजेस आने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने इस फिल्म का एंडिंग क्लाइमेक्स देखा होगा, मतलब एंडिंग जो सीन था जहां पर अजय देवगन एक आतंकवादी से फिर अपना इंडियन रूप में आ जाते हैं और पाकिस्तानियों को धूल चटा देते हैं। उनका आतंकवादी बनने का मकसद एक ही था, सिर्फ बदला लेना। वही दोस्तों इसकी अगली सीक्वल जो होगी वो वहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पे नजर आएंगे सुनील शेट्टी, ऐसा बताया जा रहा है। और अजय देवगन का कैमियो होगा, मतलब कि अजय देवगन हेल्प करने के लिए आएंगे दिल जले 2 में सुनील शेट्टी का। एक्ट्रेस की बात करें तो सोनाली बेंद्रे ही रहेंगी इस फिल्म में भी और दूसरी एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज होने वाली है। ऐसे में भी इस फिल्म के ऊपर कोई स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द इस फिल्म के ऊपर काम किया जा सकता है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि फिल्म मेकर्स के साथ साथ डायरेक्टर को भी उम्मीद है कि इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब प्यार किया था तो इसकी अगली सीक्वल का इंतजार वो बेसब्री से कर रहे होंगे और इसकी अगली सीक्वल जरूर उन्हें पसंद आएगी। वैसे दोस्तों इसकी अगली सीक्वल यानी कि दिल जले 2 पर आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे? और स्टार कास्ट को लेकर के अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।